बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया है। कमलनाथ की स्थिति, उन्होंने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसी है। किसान आंदोलन और किसानों की इतने दिनों बाद याद को लेकर कमलनाथ कुछ किसानों को एकजुट कर अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस का 2019 का घोषणा पत्र झूठा है। झूठ छल कपट के आधार पर राजनीति नहीं हो सकती। कमलनाथ जी की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे हाल कमलनाथ जी के हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस आंदोलन का आह्वान कर रही थी, कमलनाथ जी गायब थे। मध्य प्रदेश का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इन कानूनों के साथ खड़ा है। अब किसान कांग्रेस के साथ नहीं है तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में पहुंच करके विचार कर रहे हैं कि कुछ तथाकथित किसान कहीं से करके हम अपनी अस्तित्व को कैसे बचाएं। कि कांग्रेस का 2019 का जो घोषणा पत्र है उसके अंदर इन कानूनों के बारे में कांग्रेस ने जो वादा किया था घोषणा पत्र के अंदर, तो क्या वो झूठा था? ये कमलनाथ जी को बताना चाहिए। देश भी जानना चाहता है, मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है। और कमलनाथ जी ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छिंदवाड़ा के अंदर तो हमने 10 साल पहले शुरू कर दी थी। ये कोई हम लोगों ने नहीं कहा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस कानून का एक अहम हिस्सा है। तो कमलनाथ जी, जरा आप ये बताइए कि अगर और वहां के फार्मर्स के, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले किसानों ने बयान दिए थे, आपके मीडिया के मित्रों ने ही छापा था, ये किसानों के बहुत हित में है आज के समय में। तो कमलनाथ जी, आप ये दोहरा चरित्र, एक और आप ये कहते हैं और दूसरी बार आप ये कहते हैं।